Hello friends, welcome back to my YouTube channel Plants Care and Tips. If you are new to this channel, then please subscribe to my channel below and also press the bell icon to get my latest videos notification. तो friends, आज जो है हम इस plant की care tips के बारे में बात करेंगे. तो friends, इस plant का नाम है मरवा और friends, इसको जो है माजोरम भी बोलते हैं. और friends, ये जो plant है वो एक बेजल फैमिली से बिलोंग करता है. जैसे कि फ्रेंड्स, जो हमारी तुलसी होती है वो भी जो है बेजल फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये भी फ्रेंड्स उसी फैमिली को बिलोंग करता है. और कई जगहों पे जो है फ्रेंड्स, इसको मरवा तुलसी के नाम से भी लोग बोलते हैं. और फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये. इसको आप कैसे भी रफ़ एंड टफ़ कंडीशंस में इसको ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा कोई इसको जो है केयर रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप इसको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं. इस प्लांट के जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. एक तरीके से फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को जो है हर्ब कह सकते हैं, मेडिसिनल हर्ब कह सकते हैं एक तरीके से. क्योंकि फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो लीव्स है, जैसे फ्रेंड्स अगर हम इस प्लांट की लीव्स की अगर हम चटनी बना के खाएँ, तो फ्रेंड्स हमारे पेट में जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको जो है ये मार देता है. और फ्रेंड्स, जैसे अगर हम सरसों के तेल में इस प्लांट की कुछ लीव्स लेके उसको उसमें गरम करके उस तेल को अगर हम अपनी सर में मसाज करें, तो उससे फ्रेंड्स ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है. और भी फ्रेंड्स, इस प्लांट के जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं और हेल्थ बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद में. तो इसको फ्रेंड्स आप अपने घरों में बहुत ही ईजिली एज अ हर्ब ग्रो कर सकते हैं. और इसके जो लीव्स है उनमें से काफ़ी अच्छी एरोमेटिक स्मेल भी आती है. और फ्रेंड्स, इस प्लांट का सबसे अच्छा यूज़ ये है, अगर फ्रेंड्स हम इस प्लांट को अपने घरों में रखते हैं या घरों में लगाते हैं, तो ये फ्रेंड्स एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट काम करता है. फ्रेंड्स, इसको लगाने से जो है मच्छर मक्खी जैसे कोई भी इंसेक्ट जो है हमारे घर के आसपास नहीं आते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में. तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की सबसे पहले अगर हम बात करें सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जो है एक फुल सन काफ़ी पसंद होता है. अगर आप फ्रेंड्स इस प्लांट को फुल सन में रखते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं इसकी लीव्स और इस प्लांट का जो कलर है वो काफ़ी निकल के और काफ़ी अच्छा आता है. जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट है, इसकी लीव्स देख सकते हैं. और अगर फ्रेंड्स आप इसको जो है शेडी एरिया में रख देते हैं, तो शेडी एरिया में फ्रेंड्स ये प्लांट ग्रो तो करता है, बट उसमें क्या है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी और काफ़ी लेगी होना शुरू हो जाती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. और थोड़ा सा उसकी जो लीव्स हैं वो लटकना शुरू हो जाती हैं और इतना ज़्यादा लस्ट कलर भी नहीं फ्रेंड्स उसमें देखने को मिलता है. तो फ्रेंड्स, सनलाइट का फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी प्लांट की हेल्थ में और उसकी ग्रोथ में. तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपने प्लांट में. और वैसे तो फ्रेंड्स आप जो है इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की भी अगर इसको धूप मिलती है वो भी इस प्लांट के लिए काफ़ी इनफ है. और फ्रेंड्स, जैसे इस प्लांट पर ये जो इसके सीड्स बन रहे हैं, जैसे इसका सीड पॉट है, तो फ्रेंड्स जैसे आपके प्लांट पर भी अगर आप को दिखे कि आपके प्लांट अब सीड पॉट बना रहा है, तो फ्रेंड्स आपको जो है उन सीड पॉट को तुरंत ही ऐसे पिंच आउट कर देना है ऐसे, या तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं सिंपली, या फिर आप किसी सीजर या फिर किसी भी प्रूनर की मदद से उनको कट आउट कर सकते हैं. उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप उसको सीड को कट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ को वहीं पर ही स्टॉप कर देगा और जो है उसमें न्यू ग्रोथ या फिर कोई भी उसकी न्यू लीव्स नहीं आएंगी. क्योंकि फ्रेंड्स सीड बनाने का, अगर प्लांट सीड बनाना शुरू कर देता है तो उसका एक ही इंडिकेशन होता है कि वो जो है अब अपनी मैच्योरिंग स्टेज में आ गया है और वो अपनी जो सारी एनर्जी है वो सारी सीड बनाने में डिवोट कर देगा. तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप उन सीड्स को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके प्लांट में ये देखिए नीचे से ऐसे 2 न्यू ग्रोथ ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगेगा. और
आपके प्लांट पे पत्तियाँ बनी रहेंगी और हरा भरा भी बना रहेगा। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अपने प्लांट पे ज़रूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस प्लांट को जो है आपको कोई भी बुशी लुक देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्लांट है काफ़ी अपनी जल्दी ग्रोथ करता है और खुद ब खुद जो है अपने आप ही एक अपनी बुशी लुक ले लेता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी ग्रीनरी भी प्रोवाइड करता है हमारे घरों में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अब इस प्लांट की वाटरिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको जो है इस प्लांट को वाटरिंग तब भी करनी है जब इसकी जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो आपको ड्राई दिखे, नहीं तो फ्रेंड्स आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स आप जो है इसको कैसी भी सॉइल मीडियम में लगा सकते हैं इस प्लांट को। अगर फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप इसको जो है कैसी भी सॉइल मीडियम में लगा सकते हैं, और अगर आप फ्रेंड्स आप जो है इसको पॉट में लगा रहे हैं, किसी गमले में लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। 60% जो है फ्रेंड्स आप उसमें अपनी गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% जो है आप उसमें अपना रिवर सैंड मिला सकते हैं, और 20% जो है आप उसमें गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला के जो है आप इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं और ईजीली जो है आप उस प्लांट को उसमें लगा सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स की बात होगी इस पॉटिंग मिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस प्लांट की अब प्रोपगेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को बहुत ही ईजीली आप जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स ये जो प्लांट है सीड्स के थ्रू भी काफ़ी जल्दी प्रोपगेट हो जाता है, और आप जो है इसको कटिंग्स के थ्रू भी काफ़ी ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से जो है ये प्लांट काफ़ी जल्दी अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। और अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस प्लांट की इंसेक्ट और पेस्ट अटैक के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट पे जो है कॉमनली अगर आपको इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक दिखता है तो आप जो है उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पूरे प्लांट पे। और नीम ऑयल का स्प्रे फ्रेंड्स आपको कैसे करना है, 1 लीटर पानी में जो है आप 1 चम्मच नीम ऑयल उसमें अच्छे से डिसॉल्व करके और वो जो है आप अपने प्लांट पे पूरे प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेनली अगर मैं दिखाऊं तो आपको इस प्लांट पे जो है कुछ इस तरीके का इंसेक्ट का अटैक होता है, और जैसी फ्रेंड्स आपको अपने प्लांट की लीव्स पे कुछ इस तरीके का वो दिखता है लाइनिंग वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको जो है उस लीव को अपने प्लांट से रिमूव कर देना है तुरंत, जितनी भी लीव्स हों, और आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को जो है कोई भी इतनी हैवी फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड नहीं होती है, और फ्रेंड्स इसमें जो है आप मेनली कोई भी अच्छे से डीकम्पोज हुई गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कम्पोज जो है आप इसमें अच्छे से दे सकते हैं, ऊपर वाली सॉइल फ्रेंड्स थोड़ी सी रिमूव करके, और फिर जो है आप इसमें अपनी खाद आप नॉर्मली दे सकते हैं। और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र आपको इसमें महीने में एक बार ही देनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्लांट को जो है कोई भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए आप इसमें एक बारी महीने में एक बारी आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और इसको जो है कोई भी DAP और NPK की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली आप जो है इसमें गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस प्लांट की ग्रोइंग सीज़न के बारे में, तो फ्रेंड्स इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो मेनली आपका मार्च से लेके आपका नवंबर तक जो है इसका ग्रोइंग सीज़न रहता है, और विंटर्स के टाइम पे जो है फ्रेंड्स ये जो प्लांट है थोड़ा सा डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, और उस टाइम पे जो है फ्रेंड्स ये प्लांट अपनी कोई भी न्यू ग्रोथ शो नहीं करता है, और इसकी जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनको जो है ये गिराता रहता है, वो येलो होती रहती हैं। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका ये फेब्रवरी एंड आता है उस टाइम पे जो है फ्रेंड्स इसकी न्यू शूट्स निकलना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर विंटर्स के टाइम पे आपका जो प्लांट है वो कुछ इस कंडीशन में दिखाई दे तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, वो प्लांट आपका बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठाक रहेगा। जैसे ही मार्च या फेब्रवरी एंड आएगा वो आपका फिर से रीग्रोथ स्टार्ट कर देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ़।